तो कहाँ जा रहे हैं आज? आप सबको के साथ शेयर करेंगे। और ये वीडियो जो आपके पास आज आया है, ये कल सुबह कल का शूट हुआ है, मतलब पहला कल नवरात्रि का दिन था और अब बच चुके हैं शाम के दूसरे दिन के 8, और कुछ भी शूट नहीं हुआ हमसे। और आज हम कहाँ जा रहे हैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए और बने रहिए हमारे साथ जो भी, मतलब जितना भी हमसे शूट होगा, क्योंकि हम जल्दी जाने वाले थे और ये भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे क्यों लेट हो गए हैं। राम राम जी, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सब भी अच्छे होंगे। आपके अपने ही चैनल रेखा गुर्जर फैमिली ब्लॉग चैनल पर स्वागत है दोस्तों। तो देखिए, माता का दरबार सज चुका है, आप सब भी आशीर्वाद ले लीजिए। आपको पास से बैक कैमरे से दिखा, ये देखिए मैंने लाइट नहीं चलाई, जैसी ही थोड़ी बहुत लाइट आ रखी थी वो ही आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखो मंदिर, मंदिर का शायद मैं फर्स्ट टाइम आप सबको वीडियो दिखा रही हूँ, पिछली बार भी मैंने नहीं दिखाया था, बस आरता दिखाया था माता का, तो ये दिखा रही हूँ। बताना ज़रूर माता का दरबार कैसा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन भी लग। और अब हम दिखाते हैं हमारी माता रानी यहाँ विराजमान है, आप सब भी देख सकते हो। देख लीजिए आप सब भी, और यहाँ पे ये पौधे हैं हमारे, ये मनी प्लांट है और ये तुलसा जी बुई हुई है। तो आप सबके दर्शन करा दिए माता रानी के भी, और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी अभी फ्री हुई हूँ और ये हिमांशी लेटी हुई है और दीसू। और यहाँ पे मैंने मंदिर क्यों लगाया है, क्योंकि मंदिर है ना, मैं हमेशा है ना अलग अलग साइड पे मतलब अलग रखती थी जोत, मतलब चौकी अलग लगाती थी जैसे सब कुछ, और मंदिर मेरा बाहर लगा हुआ था। तो मैंने, मेरा ये था कि मतलब मंदिर तीन जगह हो जाता है, इस बार मेरे मन में पता नहीं क्यों आया नहीं, हर बार ही करती थी मैं, लेकिन इस बार हुआ कि तीन जगह पूजा होगी, 3 13 अच्छे नहीं होते, पता नहीं इस बार क्यों मेरे मन में आ रहा था। और मैंने देवी, क्योंकि बाहर भी देखो पूजा होती है, वहाँ भी उस टाइम भी हम जो भी खाएंगे वही माता रानी को भोग लगता है, और चाय पियेंगे वो भी हिलाई भी जाती हैं सुबह माता रानी, वो छींटे मारने होते हैं वो उस तरह से, तो वो तीन जगह हो जाता है। तो मेरे मन में आ रहा था कि तीन जगह पूजा अच्छी नहीं होती, तो मैंने इसलिए मंदिर लगा दिया बाहर से यहाँ। सही किया या गलत किया बताना सभी। और इसका बच्चों का रूम है, ये बच्चों का क्या, हम सब का ही है, हम पूरे दिन और हम सोते भी इसमें ही हैं, और ये था कि मंदिर अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे ये मैंने आटा डाल लिया था, और ये पता नहीं कैसे कैमरे का फ़र्क है, बड़ा अजीब सा लग रहा है, पास से देखो एकदम वाइट था, बहुत साफ था, पर पता नहीं कैसे लग रहा है, या तो गीला था शायद। और तो मैंने आटे में नमक डाल लिया है, ये है कुट्टू का आटा, और खाना बना लिया था सबका पहले, और उसके बाद फिर ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे थोड़ा भिगो लेंगे, और थोड़ा थोड़ा ही आपके साथ शेयर करना होता है। पहले मैंने पकौड़ी बनाई थी पिछले साल, तो एक बहन ने बताई, बोला था कि, कौन सी बहन ने बोला था आज उनका नाम भी बोल देती हूँ, मिथिलेश गुजरी ने बोला था कि पूरा प्रोसेस दिखाया करो, आप तो पकौड़ी बना के दिखाते हो। तो मैंने कहा पकौड़ियाँ तो एकदम सिंपल है, इनका क्या दिखाना, कि नहीं नहीं बना के दिखाया करो। तो मैं तो हाथ से ही फेंटती हूँ, क्योंकि मुझसे चम्मच से नहीं होता, वो आदत है हमें हाथ से ही, तो और आप सबको पता भी है मुझे दिखावा पसंद भी नहीं है, कि वैसे चम्मच से और हाथ से आप सबको दिखाने के लिए, तो चम्मच से घोलूँ वो मुझे हाथ से ही जो जैसा है वो ही आप सबके साथ शेयर करूँगी। और ये मैंने धनिया और मिर्च और नमक डाल लिया है, और मैंने इसमें दही नहीं डाली है, क्योंकि दही क्यों नहीं डाली है, क्योंकि कल मेरा शुक्रवार का व्रत है, इसलिए कल भी हो जाएगी चटनी, कल के लिए भी ये बन चुकी है हमारी चटनी, इसलिए थी मैंने, और क्योंकि मेरा ये तो शौक में खाएँगे सब, व्रत मेरा ही है, अगर इनका व्रत होता है तो फिर खीरे के का रायता भी चाहिए होता है, फिर तो बहुत कुछ बनाना होता है, अब अकेले के लिए क्या बनाए, उसमें ही फिर मैंने बाद में इनके लिए थोड़ी सी, थोड़े से दीशु के लिए चावल बना दिए थे कढ़ाई में, क्योंकि उनके लिए रोटी बनी थी बाप बेटी के लिए, और इसे नहीं पसंद। ये देखिए इस तरह से पकौड़ियाँ बना लूँगी, और बड़ी एकदम सिंपल बनती है, कोई वो ही नहीं है। हिमांशी पानी पिला दो एक गिलास,
और मैं अभी नहीं पी रही हूँ पानी, पानी जब मैं बना रही हूँ, जब नहीं पी रही हूँ, जब वॉइस ओवर कर रही हूँ इस टाइम में, बाद में तो बाद में पी रही हूँ। ये मत समझना कि नहीं बनाते बनाते मैं झूठ फैला रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। ऐसे एक बार मैंने बोला था वॉइस ओवर करती बार कि मैं चाय पी रही हूँ, और फिर बाद में जब मैंने सुना मुझे बड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि झूठा नहीं होता वहाँ पे बिल्कुल भी, वहाँ पे नहीं पी सकते हम पानी, अलग जाके ही पीते हैं। और अभी तो मैं अब तो खा पी लिया, कितनी देर हो गई, और ये क्योंकि मेरे को है ना आलू ज़्यादा पसंद है, और ये इतना टाइम लगता है इनमें, ऐसा नहीं थोड़े टाइम तक, क्योंकि आलू भी पक जाने चाहिए एकदम से। दही है, चटनी है, और ये हमारी पकौड़ियाँ हैं, मुझसे तो इतना ही खाया जाएगा क्योंकि सुबह से व्रत है, और बाकी मैं बना रही हूँ, सब खाएंगे, बच्चे और ये सब खाएंगे। राम राम जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।